गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद नेहा। मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ नेहा। तो आज है राखी। जी हाँ, आज है राखी और मायका बहुत ज्यादा याद आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हम जहाँ हैं वहीं हम लोग सेव है। तो राखी है, कुछ स्पेशल ना बनाऊं तो कैसे होगा, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ आज मैं। ओके, आइए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, ये गरम करने के लिए रख दिया है। गरम हो गया है दूध, देखिए इसको थोड़ा सा हिला दे रही हूँ। उसके बाद एक गिलास में मैं थोड़ा सा गुनगुना दूध ले लूंगी, उसी में अभी कस्टर्ड पाउडर जो है मैंने 5 स्पून लिया है, 5 स्पून। आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, आपको कितना जरूरत है वो देख लीजिए। अभी इस कस्टर्ड को मैंने डाल दिया है दूध के अंदर, इसको खूब उबालेंगे अभी। उसके बाद ये है चीनी, 1 कप, 1 कटोरा मैंने नाप के लिया है। कस्टर्ड में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, ये थोड़ा सा काजू किशमिश और चेरी है, इसको थोड़ा सा हिला गाढ़ा कर रहे हैं पका पका के। तो उसको जो ड्राई फ्रूट्स है उसको मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, देख सकते हैं आप। दूध उबल गया है, पूरा उबालना है इसको, थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेना है तभी गाढ़ा बनेगा दूध, जो कस्टर्ड डाला हुआ है पाउडर। देखिए ये गाढ़ा बन गया है, ठंडे होने के लिए रख देंगे तो ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा। फिलहाल इस टाइम हम अपना जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें खजूर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल इतना ही था, यही था, तो मैंने इसी से बना लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए आप रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए, मेरे पास है नहीं, मैं फिलहाल ऐसे रख दूंगी इसको। मैंने 1 केला कट करके डाल दिया उसके ऊपर, आप चाहे तो और दूसरा फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, अनार हो गया, जैसे एप्पल हो गया। मेरे घर पे जो था मैंने वही उसी से ही बनाया है, आप भी एक बार ट्राई कीजिए इसको। उसके बाद मैं बनाऊंगी छोला। छोला के लिए जो मसाला है मैंने होल ग्रेन जीरा धनिया और लाल मिर्च ले लिया, उसमें मैं गर्म पानी डाल दूंगी, थोड़ी देर भिगो के रखूंगी। उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। ये भीग गया है थोड़ी देर। लहसुन लिया है, अदरक और प्याज मैंने मीडियम साइज के 5 लिए हैं, इसको भी मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अदरक मैंने काट के डाल दिया है और ये छलनी में छान के पानी उसका फेंक के इसमें डाल दिया। अभी देखिए ये पेस्ट रेडी हो गया है। इसको मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूंगी, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। उसके बाद दालचीनी और इलायची, ये दोनों डाल के मैं अभी बॉईल करने के लिए रख दूंगी। सीटी लगा दिया है मैंने, 5 से 6 सीटी लगाना ही सफिशियंट हो जाता है, क्योंकि बाद में भी मैं इसको सीटी लगाऊंगी। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं भी मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी में स्वाद आता है, मुझे मस्टर्ड ऑयल में पकाना ही अच्छा लगता है। तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे, और मैं मसाला दिखा देती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। ये तेज पत्ता, लौंग, स्टार्स है, ये जायफल, ये जो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था वो दालचीनी और इलायची, वो भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैंने
एक्स्ट्रा दालचीनी भी लिया है, और दालचीनी और इलायची और तेज पत्ता, और ये हो गया बड़ी इलायची। तेल गरम हो चुका है तो उसमें अभी मैं डाल दूंगी, क्या डालूंगी, तेल गरम होने के बाद इसमें मैं डालूंगी जीरा, जीरा का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद डाल दूंगी मैं जो पेस्ट करके रखा हुआ है, ये प्याज लहसुन हरी मिर्च और जीरा धनिया का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी। उससे पहले डालूंगी जो खड़े मसाले हैं वो, उसको फ्राई करूंगी, उसके बाद ही ग्रेवी बनाने के लिए ये पेस्ट डालूंगी। गरम हो गया था तेल तो मैंने डाल दिया। इसको पूरे अच्छे तरीके से भूनना है पूरा। थोड़ा सा चीनी डाल दूंगी इसमें मैं, आप चाहे तो डालिए, लेकिन चीनी डालने में थोड़ा सा वो अच्छा हो लगता है, हम लोग चीनी डालते ही हैं ज़्यादातर सब्जी में। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, मैंने ऑलरेडी बॉईल करते हुए डाला था नमक तो उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी, ज़रूरत पड़े तो मैं बाद में चेक करके डाल दूंगी। इसको अच्छे से हिला ले, अच्छे से भूने, इसको भूनना हो जाए तो देखिए जैसे तेल निकल के आ रहा है ना, इसी तरह भूनना है। इसमें अभी तक हल्दी नहीं गया है, देखिए कलर कितना सुंदर आया है ना, हल्दी नहीं है तो भी। मुझे पाउडर मसाले से जैसे कि जीरा पाउडर हो गया या धनिया पाउडर, उससे तो अच्छा है कि मैं थोड़ा सा इसका जो होल ग्रेन जीरा है उसको भी पेस्ट करके बनाऊं तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है तो थोड़ा सा मेरे को हल्दी कम जैसा लगा, तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और अच्छे से भून लेंगे इसको। ये बहुत ही टेस्ट आता है ये सब्जी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और रक्षाबंधन के दिन अगर ऐसे स्पेशल खाना मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। देखिए कितना अच्छे से भून गया है ये। इसके बाद इसमें अभी छोले डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, पूरा मसाला अंदर तक चला जाए इसके, पूरे अच्छे से भूनना है लेकिन नीचे लग ना जाए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डाल दूंगी थोड़ा एक कटा हुआ टमाटो, अगर आप चाहे तो टमेटो यूज़ ना करें कोई बात नहीं, लेकिन टमेटो ग्रेवी बनाना अगर होता है तो टमेटो अच्छा लगता है उसका ग्रेवी में। देखिए ढक के एक मिनट पका लिया है मैंने, इसके बाद फिर से भून रही हूँ अभी। सूखा सूखा हो गया है पूरा इसका। और ये है छोला मसाला, मैंने जेएमसी का लिया हुआ है, आप चाहे किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। छोले में अगर छोला मसाला नहीं डाले तो फिर कैसे होगा ना, टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मैंने डाल दिया है छोला मसाला, इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनना जैसे हो गया है मेरा, ऑलमोस्ट सूखा हो गया है पूरा भी, तो इसमें अभी गर्म पानी डाल देंगे। देखिए गर्म पानी डाला है, कोई भी सब्जी बनाइए अगर पानी डालने के लिए सब्जी में पानी डालना हो तो हमेशा 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 आप गर्म पानी ही डालिए, तभी स्वाद आएगा सब्जी में, नहीं तो कच्चा कच्चा एक वो रह जाता है ठंडा पानी डालने से। तो इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी, थोड़ा देर उबाल आने के बाद इसको 2-1 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। देखिए इसमें उबाल आ गया है पूरा, तो थोड़ा सा मैंने ये काबुली चना रखा था, मैश करके डाल दिया इसको। इस ऐसे करने से क्या होता है, थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो थिक बनता है, तो इसीलिए मैंने डाला है। आप ऐसे ट्राई कीजिए कभी बनाने के लिए, अच्छे से इसको मिला लीजिए
और ये जो खड़े मसाले हैं एक दो मैं निकाल के रख दूंगी, क्योंकि मुंह में खाने के टाइम आता है तो अच्छा नहीं लगता, स्वाद ही बिगड़ जाता है। खड़ा मसाला भी मतलब अलग ही है ना कुछ, अगर सब्जी में जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और सब्जी पकाने के बाद अगर मुंह में आ जाए तो वो टेस्ट ही ख़राब कर देता है। तो इसको मैं निकाल दी हूँ। कुकर में ट्रांसफर कर लिए, अब इसको दो सीटी लगा दूंगी ऐसे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखिए और कितना थिक बना है ना। ये ठंडा जब हो जाएगा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसमें, 1 टीस्पून करीब डालने से हो जाएगा। तो अच्छे से मिला लेंगे इसको। हमारा छोला हो गया तैयार, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं और बनाऊंगी गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का पैकेट आता है तो थोड़ा सा मैंने 1 कप जैसा ले लिया है, और उसमें मैंने घर पर बनाया हुआ घी है, ये थोड़ा सा घी 1-2 चम्मच जैसा घी डाल दिए हूँ, और उसको खूब अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लिया है मैंने इसमें। देखिए पूरा अच्छे से मसलना होता है, नहीं तो ये अच्छा बनता नहीं है, वो जैसे दुकान की तरह होता नहीं है। पूरा अच्छे से इसको घी को लगा लगा के मसलना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है घी पूरा, और इसके बाद मैं थोड़ा सा गुनगुना दूध, ये देखिए 1 ग्लास 1/2 ग्लास जैसा है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लूँगी और इसका एक डो बनाऊँगी। ज़्यादा एक ही बार में मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए इसमें, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये घर पर बनाया हुआ। अभी तो दुकान से भी होटल से भी मंगवा के खा नहीं सकते, क्योंकि जो करोना लगा हुआ है उसकी वजह से डर भी लगता है, और घर पे ही बनाया हुआ बेस्ट होता है, इसीलिए घर पे ही बनाने का ट्राई किया है मैंने। देखिए दूध डाल के ठीक से मसलना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा दूध चाहिए होगा, फिर थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा दूध और चाहिए होगा, तो दूध डाल के हाथों से पूरा मसलना है। देखिए कैसा अच्छा डो बन जाएगा फिर, और चिपकेगा भी नहीं आपके हाथ में, और थाली से भी निकल के आ जाएगा। ऐसे मसलना है, देखिए मैं जैसे मसल रही हूँ, तो बहुत सॉफ्ट बनता है और चिकना हो जाता है पूरा। देखिए कितना अच्छा थाली से भी निकल आया है और हाथों से भी निकल गया है पूरा। तो इसको पूरा दोनों हाथों से मैं मसलूंगी, देखिए इस तरह से कम 15-20 मिनट मैंने इसको ऐसे मसला है, और बहुत सॉफ्ट बन गया, टूट भी रहा है देखिए कितने सुंदर से। हाँ ऐसा इसी तरह करना है। देखिए कितना सॉफ्ट डो बन गया है, देखिए इसी तरह बनाना है हमको। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के टाइम देखिए मैंने हाथों से फिर से मसल मसल के वो किया है, और अंदर एक किशमिश डाल दी है।
पूरी अच्छी तरीके से इसको मसलना है। और देखिए पूरा थोड़ा सा भी क्रैक में होना नहीं चाहिए, क्रैक हुआ तो ये फट सकता है, आप जब बनाएंगे तेल में और चाशनी में डालेंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा भी क्रैक ना हो इसका ध्यान रखना है हमको। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये थोड़ा सा अलग शेप दे दिया है। कढ़ाई में तेल ले लिया है, एकदम कम स्टीम में पकाना है, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी हम इसको डाल देंगे। अगर गर्म पूरा गर्म तेल में अगर इसको डालेंगे तो फटाफट जल्दी पक जाएगा ऊपर से और अंदर से ये पकेगा नहीं, तो थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल तो आप थोड़ा डाल दीजिए आप, और इसको चलाते रहना है। लग गया है थोड़ा सा शायद नीचे, पलटते रहना है इसको पूरा। इसको मैं थोड़ा देखिए हो गया है, मैंने दूसरी कढ़ाई में 2 कटोरी पानी ले लिया था और 1 कटोरी चीनी, उसमें मैं डाल दूंगी इलायची, अच्छे से चला लेंगे ताकि ये चीनी घुल जाए उसमें पानी में। और देखिए इधर गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं कलर, चारों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है हमें। देखिए पलट पलट के पकाइए, और ये इधर पानी भी उबलने लगा है, मैंने बाकी का जो बचा हुआ था उसको डाल दिया तेल में फ्राई होने के लिए, और पहले का जो है वो रख लिया है। मैं पहले कढ़ाई में एक देके देख रही हूँ ये ठीक से फूल रहा है कि नहीं, उसके बाद ये पहले का जो फ्राई किया हुआ उसको डाल दूंगी। देखिए साइज में बड़ा भी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा पानी जो है सिरप शुगर सिरप वो पूरा सोक कर लेगा। और इधर ये चला भी रही हूँ, देखना ज़रूरी है कि जल ना जाए, इसका गैस बंद हो गया है। गोल्डन ब्राउन होने तक पूरा पकाना है हमको। देखिए साइज में कैसे डबल हो गया है ना, इसको भी डाल दूंगी मैं अभी उस सिरप में, और इसको 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा लग रहा है, दुकान जैसा लग रहा है ना। इलायची मैंने ऊपर रख दिया है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। अभी मैं बनाऊंगी आलू पूरी, तो उसके लिए उबला हुआ आलू है ये, इसमें मैंने थोड़ा सा आलू ले लिया है और उसको मैश कर लिया है पूरा अच्छे तरीके से। उसमें मैं डालूंगी मसाला जैसे कि हल्दी पाउडर, देखिए हाथ में भी लग गए हैं, नमक, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी और अजवाइन, थोड़ा सा सूजी 2-3 चम्मच, और ये है आटा, आटे की ही पूरी बनाऊंगी मैं, मैदा नहीं यूज़ करूंगी इसमें। इसको अच्छी तरह के तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ये रोटी जैसा डो नहीं बनता है, थोड़ा सा अलग टाइप का ही डो होगा। इसको मैं ये पूरा सॉफ्ट डो बनता है, देखिए इसको मैं 15-20 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ दूंगी। 15-20 मिनट के बाद इसको 1-2 बार फिर से मसल लूंगी। देखिए नीचे चिपक रहा है, तो इसमें तेल लगा के ही हम पूरी बेलेंगे, मैंने चकले पे भी लगा लिया है तेल। देखिए पूरी पूरा पतला भी नहीं होगा और मोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का पूरी आप बेल लीजिए। देखिए
तेल में जाते ही कितने अच्छी तरीके से फूलने लगा है पूरी। ये जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ ये वही तेल है जो जिसमें मैंने वो बनाया था, क्या बोलते, गुलाब जामुन बनाया था, तो उसी तेल में मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अलग से ले सकते हैं, लेकिन तेल इतना बचा हुआ था तो फिर यूज़ कर लिया मैंने। ये देखिए दूसरा पूड़ी, तीसरा पूड़ी आ गया, चौथा नंबर पूड़ी है ये। इतने अच्छी तरीके से क्रिस्पी होगा ये पूड़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। देखिए मेरा लंच बन के रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, ये पूड़ी देखिए बहुत अच्छा लगता है ये सब पूड़ी खाने में, और टेस्टी भी होता है। तो बताइए मेरा आज का लंच कैसा लगा आप लोगों को, मेरा राखी स्पेशल लंच, और कमेंट करके भी बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।